Hello guys, I'm Dr. Arun. Welcome to my channel. I'm a homeopath. So, आज मैं बताने वाला हूँ एकोनाइट के बारे में. एकोनाइट was my first remedy जो मैंने कॉलेज डेज में स्टार्ट किया था as a student. तो मैं आज एकोनाइट के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ. So, एकोनाइट is a short और superficial acting remedy है. एकोनाइट एक पॉइजन है इन अ क्रूड फॉर्म इन नेचुरल स्टेट इट इज़ अ पॉइजन. एकोनाइट का पॉइजन का असर एकदम वायलेंट और सडन रहता है, एकदम हाई इंटेंस हो जाता है. एकोनाइट के पॉइजन लेने से डायरेक्ट एकदम सडन वायलेंट एकदम लगे स्टॉर्म जैसे सिम्टम्स आते और एकदम एक्सट्रीम लेवल में जाते और उसका कोर्स ख़त्म हो जाता है. सो सिमिलरली एकोनाइट का सिम्टम्स भी है. एकोनाइट के पेशेंट पे कैसे सिम्टम्स दिखेंगे? एकोनाइट के पेशेंट एकदम वायलेंट और सडन ऑनसेट रहता है कोई भी कंडीशन हो. एकोनाइट का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? एलिमेंट फ्रॉम्स कहाँ से शुरू होता है? एकोनाइट का एलिमेंट फ्रॉम है एकोनाइट का एलिमेंट फ्रॉम है एक्सपोजर टू कोल्ड एयर. कोल्ड एकदम एक्सट्रीम कोल्ड रहेगा या तो एक्सट्रीम हीट रहेगा और फ्राइट फियर ये सब के वजह से एकोनाइट के प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. एकोनाइट का पैथोलॉजी देखते हैं. एकोनाइट ब्लड स्ट्रीम में अफेक्ट करता है, वो पूरा ब्लड स्ट्रीम अफेक्ट करता है. सो ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो एकोनाइट का स्पीयर ऑफ एक्शन में ना आए. एकोनाइट सब स्पीयर ऑफ एक्शन में एकोनाइट कवर करता है. सो अभी एकोनाइट के इंडिकेशंस के बारे में बताता हूँ. एकोनाइट के मेन इंडिकेशंस है फियर. मेंटल इंडिकेशंस में फियर आता है, एंग्जायटी आता है, इरिटेबल रहता है, रेस्टलेस आता है और उसके फिजिकल जनरल्स पे आता है एकदम रेस्टलेसनेस. फिजिकल जनरल में रेस्टलेसनेस है एकोनाइट के और उसके सिम्टम्स देखते हैं. एकोनाइट के ऑनसेट एकदम सडन रहता है, सडन वायलेंट और एक्सट्रीम ऑनसेट रहता है. लाइक एकोनाइट का फीवर अगर आया तो सडन फीवर आता है और एकदम हाई फीवर हाई ग्रेड फीवर रहता है. सो एकोनाइट इस सडन ऑनसेट रहता है, हर ऑर्गन में उसका अफेक्शन रहता है, हर अफेक्ट करता है और हर ऑर्गन का सिम्टम्स सडन एंड वायलेंट ही रहता है. एकोनाइट के जो गाइडिंग सिम्टम्स है मेन सिम्टम्स लाइक उसका मेंटल्स एक है. मेंटल्स में उसके आगे एंग्जाइटी फियर फियर ऑफ डेथ रहता है. एकोनाइट के डेथ फियर फियर ऑफ डेथ क्यों रहता है? क्योंकि उसका डिजीज़ इतना ऑनसेट सडन रहता है, इतना सडन ऑनसेट रहता है और वायलेंट रहता है. लाइक अभी नॉर्मल था, जस्ट बाहर जाके आया, एकदम से उसको फीवर हो गया, हाई ग्रेड फीवर विथ चिलनेस, वॉमिटिंग, कफ, एकदम हाई ग्रेड और रेस्टलेस हो जाता है और मेंटली वो इरिटेबल हो जाता है. उसको स्लाइटेस्ट टच भी उसको बहुत इरिटेट करता है, सेंसिटिव हो जाता है, नॉइज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती, लाइट बर्दाश्त नहीं होती, एकदम वायलेंट टाइप का उसको हो जाता है अटैक, एकदम वायलेंट अटैक आता है. भले वो फीवर अटैक हो या हार्ट कंप्लेंट हो, चेस्ट कंप्लेंट हो या रेस्पिरेटरी कंप्लेंट हो या जीआईटी कंप्लेंट हो, हर कंप्लेंट उसका वायलेंट रहता है. वायलेंट और सडन उसका मेन है, वायलेंट और सडन. फिर आता है उसके पेन. एकोनाइट इज अ पेन रेमेडी, उसको पेन में भी यूज़ करते. एकोनाइट नैश के अकॉर्डिंग ट्रायोज ऑफ पेन में आता है, अदर बीइंग कैमोमिला और कॉफिया. सो एकोनाइट का पेन एकदम कटिंग पेन रहता है, एकदम ऐसा हेडेक में ऐसा पेन रहता है कि उसको नेल हेडेक हेड में नेल किया हुआ हो
और हेड उसका स्कल बर्स्ट होने वाला है, एकदम सडन और वायलेंट पेन रहता है, लाइक थंडर स्टॉर्म जैसे सडन और वायलेंट आ जाता है और एकदम पीक रहता है, माइल्ड पेन कभी नहीं रहता है एकोनाइट का, एकदम वायलेंट पेन रहता है, उसको क्रेज कर देता है, वो क्रेजी कर देता है, लाइक वो यहाँ वहाँ मूव करने लगता, चिल्लाने लगता है, इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाता है उसका कंडीशंस एकोनाइट का। अगर एक घर में एकोनाइट पेशेंट को एकोनाइट का कंडीशन हो गया है, फीवर हो गया है, तो घर वाले डर जाएंगे, इतना वायलेंट सिचुएशंस हो जाते हैं। ऐसा मैंने मेरे प्रैक्टिस में भी ऑब्जर्व किया हूँ, एक्सपीरियंस किया हूँ। एक पेशेंट मेरे फ्रेंड के रिलेटिव थे, मेरे कॉल आया, मैं गया उधर तो देखा तो जस्ट नाइट टाइम था, तो वो बाहर से घर में आए थे, हिस्ट्री में पता चला कि बाहर से घर में आए, तो एकदम मैं देखा तो बेड पे सब एकदम यहाँ वहाँ टर्न कर रहे, उनके ऊपर बहुत उनको चिल लगा तो बहुत सारे बेडशीट्स थे उनके ऊपर, फिर भी वो कंटिन्यूसली यहाँ वहाँ टर्न कर रहे, एकदम कफ हो रहा है उनको, कफ में प्रोडक्टिव कुछ नहीं था लेकिन वायलेंट कफ एकदम होते जा रहा था, नौशिया था और एकदम चिल, इतना हैवी चिल और फीवर भी इतना हाई ग्रेड फीवर था, और एकदम रेस्टलेसनेस और एंग्जाइटी, और कोई भी आवाज़ करे तो उनको नहीं, मतलब इरिटेट हो रहे थे, कोई भी टच करो, कोई भी उनसे बात कर रहे पे इरिटेट हो रहे थे, इतना ज़्यादा वायलेंट हो गए थे। और बट नॉर्मल पेशेंट ऐसा सडन ऑनसेट था, तो मेरे दिमाग में एक ही ड्रग आया सडन ऑनसेट के लिए, एकोनाइट, और इतना वायलेंट था, तो मैंने वो पेशेंट को एकोनाइट प्रिस्क्राइब किया, और विद इन मतलब 1.5 आवर के बाद ही लाइक वो धीरे धीरे काम होने लग गए और ठीक हो गए, तो उनका सडन ऑनसेट वायलेंट सब हो गया, मतलब क्योर हुआ। सो एकोनाइट के पेशेंट देख के पता लग जाते, भले उनका कंप्लेन कोई भी हो, लाइक हेडेक हो, आई कंप्लेंट हो, कोई भी कंप्लेंट हो, एकोनाइट के पेशेंट एकदम वायलेंट रहते। अभी आइस कंप्लेंट में एकोनाइट के आइस कंप्लेंट कैसे होते, एकोनाइट के आई इन्फ्लेम हो जाता है, एकदम सडन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कॉज पता नहीं लेकिन सडन इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और रेड, एकदम रेड हो जाता है आइस, और एकोनाइट में कभी डिस्चार्ज ठीक नहीं होता है, वाटरी हो सकता है लेकिन ठीक नहीं होता है, तो सेंसिटिव टू लाइट और एकदम सडन और वायलेंट हो जाता है आइस, उसके साथ साथ उनका वो एंग्जियस फियर वो सब भी रहता है। अब उसके बाद कफ में आया तो एकदम वायलेंट कफ रहता है, एकदम वायलेंट कफ, ड्राई कफ रहता है, सो वो भी सडन वायलेंट ही होता है, और उनको लेटने पे और कफ आता तो बैठना पड़ता है, लेकिन बैठने पे भी कफ रहता ही है, और मेंटली वो इतना रेस्टलेस हो जाते, इतना रेस्टलेस, तो वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, कोई भी कंडीशन एकोनाइट के कोई भी कंडीशन एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, एकदम सडन ऑनसेट होता है और सडन एक्सट्रीम लेवल पे जाता है। सो नेक्स्ट है एकोनाइट सब कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सडन और वायलेंट ऑनसेट हो। एकोनाइट का पिक्चर एकदम क्लियर है, ऑनसेट सडन होना चाहिए, वायलेंट होना चाहिए, और मेंटल सिम्टम्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, फियर होना चाहिए, पेशेंट को फियर इतना होना चाहिए कि पेशेंट इतना फियर होता है कि उसको लगता है कि उसका हेल्प कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना इंटेंस हो जाता है उसका फियर उसका डिजीज़ की वजह से, इतना इंटेंस डिजीज़, मतलब इतना हाई ग्रेड फीवर, कफ इतना वायलेंट हो जाता है कि उसको लगता है कि अभी को उसका कोई हेल्प नहीं कर सकता है एंड ही इज़ गोइंग टू डाई। सो फियर ऑफ डेथ रहता है पेशेंट को, और इसमें ये पिक्यूलर रहता है कि वो पेशेंट को लाइक वो गेस करता है कि मैं अभी मर जाऊँगा, ये इतना टाइम पीरियड में मर जाऊँगा, लाइक ये टाइम में मैं मर जाऊँगा। सो पेशेंट को ये पिक्यूलर सिम्टम है एकोनाइट के, फियर ऑफ डेथ बाकी ड्रग्स में भी है लेकिन ये पिक्यूलर है एकोनाइट में। एकोनाइट में फियर इसीलिए है उसको क्योंकि उसका इतना वायलेंट हो जाता है, उसका डिजीज़ इतना वायलेंट हो जाता है, तो उसको ऐसा लगता है कि
कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसीलिए उसको फियर रहता है। बाकी मेडिसिंस, अदर मेडिसिंस में रीज़न अलग होते हैं, इसका रीज़न अलग है। फिर उसके बाद आते हैं उसके मोडालिटीज़ में उसको वो एक्सट्रीम सेंसिटिव तो है, तो उसको लाइट नॉइज़ सब चीज़ से उसको एग्रेवेट होता है, एक्सपोजर टू कोल्ड से और एग्रेवेट होता है। उसको एमलेरेशन सिर्फ ओपन एयर से मिलता है, उसको ओपन एयर से एमलेरेशन मिलता है। फिर उसके फीवर के टाइम एकोनाइट, फीवर में नॉर्मली सिर्फ फीवर के लिए एकोनाइट प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। एकोनाइट अगर फीवर के लिए प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो उसका मेंटल कंडीशन उसमें होना चाहिए। तो एकोनाइट के की सिम्टम्स वापस से मैं एक बार रिकलेक्ट करता हूँ। एकोनाइट के की सिम्टम्स है फियर, फ्राइट, एंग्जाइटी, फियर ऑफ डेथ है मेंटल सिम्टम्स में ये सब, एंग्जाइटी एंग्शियस है और रेस्टलेस रहता है फिजिकली। ये ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में भी आता है एकोनाइट। एकोनाइट रेस्टलेस इतना रहता है कि उसको उसका एनर्जी बहुत रहता है बॉडी में, तो उसको टर्न करते रहता है, इतना रेस्टलेस रहता है। और आसनिक भी रेस्टलेसनेस में आता है, लेकिन वो मेंटल रेस्टलेसनेस है आसनिक का, फिजिकली वो वीक रहता है। और ये फिजिकल रेस्टनेस है इसका, और अनक्विंचेबल थर्स्ट रहता है इसके लिए, थर्स्ट। इसका म्यूकस मेम्ब्रेन सब ड्राई रहता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो जाता है उसके फुल बॉडीज़ में, तो वो बॉडी में तो उसको ड्राई हो जाता है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उसको थर्स्ट, अनक्विंचेबल थर्स्ट रहता है। और फीवर के टाइम उसके पूरे मतलब ब्लड सर्कुलेशन में टेंशन हो जाता है, तो उसके वजह से पूरा रेड लुक रहेगा उसका पूरा, कभी पेन लुक नहीं आता है एकोनाइट के फीवर के कंडीशन में, एकदम रेड और वायलेंट दिखेगा आपको। आप देखते एकोनाइट के केस देखते और उसके वायलेंट तरीका देख के आपको गैस हो जाएगा कि एकोनाइट है ये। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट एकोनाइट। सो ये वो छोटा ब्रीफ था एकोनाइट के बारे में, इट वॉज नॉट अ सो लेंदी। एकोनाइट के बारे में एक ब्रीफ था, लेकिन जो मेन सिम्टम्स है वो मैम बता दिया कि आप ये सबके साथ इसको अप्लाई कर सकते हो ये सिम्टम्स को। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई अगर डाउट है, कोई क्वेरी है, या कोई टॉपिक चाहते हो कि आप वो टॉपिक में मैं बोलूं या वो ड्रग मैं एक्सप्लेन करूं, या कोई मेडिकल कंडीशन जो है जिसमें मैं एक्सप्लेन करूं, सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा गाइस।